पोस्टल विभाग से रिटायर्ड बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इन बुजुर्गों ने गुरुवार को पेंशन न मिलने पर पोस्टल विभाग के मुख्य कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और पोस्टल विभाग के अधिकारियों पर उन्हें तंग करने का आरोप लगाए। इस दौरान पेंशन के लिए ठोकरें खाते बुजुर्ग काफी परेशान दिखे। ये सभी रिटायर्ड हैं और इस विभाग से मिलने वाली पेंशन के रहमो करम पर ही जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे में अगर इन्हें समय पर पेंशन भी ना मिले तो वो कहां जाएंगे? पेंशन अपनी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पेंशन अपनी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, जिंदाबाद, यूपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें पेंशन जो है, रिटायरीज आदमी जहाँ पे पेंशन लेने आते हैं उनको पेंशन टाइम पे नहीं मिलती। हर बार इस तरह का हमारे साथ सलूक किया जाता है। अगर पोस्टमास्टर से पूछो कि पेंशन क्यों नहीं डाली हमारे खातों में, तो ये कहा जाता है कि आप डीएपी से पे ऊपर डीएपी का दफ्तर है उसके पास चले जाओ। जब डीएपी के दफ्तर पे जाते हैं तो वो कहते हैं आप डायरेक्टर अकाउंट से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टर अकाउंट से मिलो या डायरेक्टर से मिलो डीएपी के दफ्तर में। अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं बंगलौर से अभी वो जो है इस प्रकार की तनख्वाह डलती है, वो सिस्टम में खराबी आ गई है। और इस बार तो हद हो गई है कि सभी हिंदुस्तान के सभी दफ्तरों में तनख्वाहें डाल दी गई हैं, मगर सिर्फ जीपीओ अम्बाला में पेंशनरों की पेंशन नहीं डाली गई है। ये कह के हमें हटा दिया गया, दूर कर दिया गया कि अभी तक पेंशन नहीं डली है आप लोगों की। हम इस प्रकार यहाँ पे अगर हमारे साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार होता रहा, क्योंकि ये सारे सीनियर सिटीजन हैं, कोई 80 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है, अगर इनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। हम यहाँ पर धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इस प्रकार हमारे साथ हर बार होता रहा, अगर हम अपनी पेंशन इस तरह लड़ाई लड़के लेने लगे तो इस डिपार्टमेंट का क्या मतलब है यहाँ रह गया। हर बार पेंशन के लिए इन्हें ऐसे ही प्रदर्शन करना पड़ता है ताकि इन्हें समय पर पेंशन मिल जाए। इन बुजुर्गों की माने तो एक तो इन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती, ऊपर से सीनियर पोस्टमास्टर का रवैया भी इनके साथ ठीक नहीं है। यहाँ पे तो जी हमारे लिए कोई बैठने की अवस्था नहीं है, कोई चेयर नहीं है, जो कह रहे पानी की अवस्था नहीं है। तो शिकायत लेकर जाते हो, क्या कहते हैं? शिकायत लेकर जाते हैं तो कहते हैं जी आप बाहर बैठिए, आपको आपको पेंशन मिलेगी, आप बैठिए, लेकिन कब मिलेगी ये नहीं पता कब मिलेगी। आज हम सुबह प्यार से तो ऐसा है जी, प्यार से हम तो रिक्वेस्ट करते हैं जा करके, लेकिन अगला सुनता ही नहीं है। उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, पोस्टमास्टर साहब का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हम तो इसलिए आज सब इकट्ठे हो करके यहाँ पे आज इस आवाज़ को बुलंद किया है कि हमारे साथ आगे ऐसा ना हो। यहाँ पेंशन हर वारी लेट मिलती है, 11-12 बजे पहला शुरू नहीं मिलती हैगी, और जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन उन पर यहाँ बैठे हैं, कोई प्रबंध नहीं है, खड़े होने का भी कोई इंतजाम नहीं है, धक्का मुक्की वैसी होती हैगी है। जो स्टाफ है वो भी अच्छा बिहेव नहीं बरतते थे, जाते हैं वो कहना काउंटर पे जाओ, मेरे पास क्यों आए हैं। वही सीनियर पोस्टमास्टर साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। अब की बार में डीएपी की ड्यूटी थी, अब सिस्टम बदल दिया गया और डीएपी के पास हमने कल पेंशन भेज दी गई थी, डीएपी ने भी भेज दी है, बस सिस्टम के दौरान नहीं आ रही, जो आ जाएगी तुरंत हम पेमेंट करवा देंगे। नहीं बिल्कुल, हम उनकी चेयर भी डलवाते हैं, हम सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पानी अलग से रखते हैं, चेयर अलग से रखते हैं। हमारे पेंशनर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम से तीन तीन काउंटर आप पेमेंट कराते हैं इनकी, ताकि जल्दी पेमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? आज तो है सिस्टम की वजह से सर्वर डाउन है, बता रहे हैं, मैंने पता कर लिया, डायरेक्टर साहब से बात होगी, सबसे बात होगी, सर्वर डाउन इस वजह से लिया है, और कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट की कोई कमी नहीं है, सर्वर डाउन होने के कारण जो है सिस्टम में नहीं आ रही, सिस्टम आते ही हम चाहे लाइट को पेमेंट करवा लिए, पेमेंट करवा देंगे। एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार अपने विभागों की पॉलिसियों और अपनी सरकारों की कार्यशैली के गुणगान को जोर शोर से जनता को सुनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सरकारी महकमों के इन बुजुर्ग पेंशनरों की आवाज कुछ सरकारी बाबू दबाकर सरकार के लिए बद्दुआएं इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। न्यूज़ डेस्क।